करुणा मूलक संघ हिमाचल प्रदेश शिवरात्रि के दिन जयराम सरकार के चाणक्य माने जाने वाले मंत्री सुरेश भारद्वाज के लिए सतबुद्धि हवन यज्ञ करेगा। यह बात हिमाचल प्रदेश करुणा मूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने मीडिया से कही। अजय कुमार ने कहा कि आने वाले हर एक सप्ताह में जयराम सरकार के हर एक मंत्री के लिए सतबुद्धि हवन यज्ञ रखा जाएगा ताकि भगवान वर्तमान सरकार को सतबुद्धि दे और इन करुणा मूलक आश्रित परिवारों के बारे में सरकार जल्द कोई सही निर्णय ले। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी करुणामूलक आश्रितों के लिए कोई फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। और बताना चाहता हूं कि करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश को 213 दिन क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ अभी क्लास डी का जो है एक राहत के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है, जबकि क्लास सी का मामला अभी भी पेंडिंग ही है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले जो क्लास डी की नोटिफिकेशन जारी हुई है और समस्त विभागों में ये नोटिफिकेशन अब तक जो है पहुंच चुकी है, लेकिन विभागों के द्वारा अभी इसके ऊपर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि प्रदेश भर के क्लास डी के आश्रित काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी व प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों को आदेश जारी करें ताकि एक हफ्ते के अंदर जो है क्लास डी के जो भी आवेदक हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर जो है नियुक्तियां मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि क्लास सी हेतु जो है जल्द से जल्द फैसला ले, अन्यथा करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश जो है इस बजट सत्र में 4 तारीख जब बजट पेश होगा, अगर करुणामूलक परिवारों को उसमें बजट में कुछ राहत पैकेज नहीं मिलता है, उसमें राहत के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है, तो करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश समस्त प्रदेश भर के करुणामूलकों के साथ जो है विधानसभा घेराव करेगा। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में महाशिवरात्रि के दिन करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश ने मंत्री महोदय जी के लिए एक सतबुद्धि यज्ञ रखा है, जिसमें सुरेश भारद्वाज जी जिनको कि एक भाजपा सरकार का चाणक्य कहा जाता है, उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ रखा है। और ये हवन पाठ जो है उनकी सद्बुद्धि के लिए रखा गया है ताकि इस हवन पाठ के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश सरकार जो है करुणामूलक परिवारों के हित में फैसला ले और जल्द से जल्द जो है क्लास सी का जो मामला काफी टाइम से पेंडिंग चला हुआ है उसके रिगार्डिंग जो है एक निर्णय ले और कैबिनेट में मोहर लगाकर जो है इसके लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, अन्यथा करुणामूलक परिवार चुप बैठने वाले नहीं है और सिर्फ 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही बजट जो है विधानसभा में लाया जाता है, अगर बजट में करुणामूलक परिवारों के लिए कुछ राहत नहीं मिलती है तो करुणामूलक परिवार जो है समस्त प्रदेश भर के करुणामूलकों के साथ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।